ललित मोदी मामले पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में बयान दिया। मामले पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कभी ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देने की कोई सिफारिश और गुजारिश नहीं की। उन्होंने कहा कि मैंने ललित मोदी को कोई आर्थिक लाभ नहीं पहुंचाया, ना ही कोई मदद की है। मैंने सिर्फ मानवीय आधार पर कहा था, सिफारिश नहीं की थी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कल उधमपुर में हुए आतंकी हमले पर बयान दिया। राजनाथ सिंह ने आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों की प्रशंसा की, वहीं सीमा पार से आए आतंकियों द्वारा किए गए इस हमले की भर्त्सना भी की। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार आतंकवाद से सख्ती से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। उधमपुर में सुरक्षा बलों द्वारा पकड़े गए आतंकवादी को पूछताछ के लिए जम्मू लाया गया है। पकड़े गए आतंकी से पूछताछ के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम भी जम्मू पहुंच गई है। गौरतलब है कि पकड़े गए आतंकी ने कबूल किया है कि वो पाकिस्तान से आया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे खोजी अभियान दल पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। जिले के काकापोरा के अस्थान मोहल्ला में आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना के बाद स्थानीय पुलिस के विशेष ऑपरेशन ग्रुप ने इलाके में खोजी अभियान चलाया। पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। मुठभेड़ में सुरक्षा कर्मियों ने एक आतंकी को मार गिराया है। राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। आधार योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को वृहद संविधान पीठ को सौंपने या नहीं सौंपने के सवाल पर उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश को सुरक्षित रखा है। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं, इस सवाल पर केंद्र ने वृहद पीठ से सलाह मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। लुईस बर्जर रिश्वत मामले में गिरफ्तार गोवा के पूर्व लोक निर्माण विभाग मंत्री चर्चिल अलेमाओ को अदालत ने 4 दिन की पुलिस हिरासत पर भेज दिया है। चर्चिल अलेमाओ को कल रात वारका गांव में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत के साथ अलेमाओ से भी लुईस बर्जर रिश्वत मामले में पूछताछ हुई थी। आज सुबह पटना में भाजपा नेता अविनाश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या उस समय की गई जब वो सुबह बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद वापस घर लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी में हथियारों की फुटेज कैद हो गई है और छापेमारी शुरू हो गई है। हत्या के बाद भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और धरना प्रदर्शन किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री मदन मित्रा की जमानत अर्जी आज खारिज कर दी। सीबीआई के वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया, वहीं मदन मित्रा के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के विरुद्ध लगाई गई धारा मान्य नहीं है क्योंकि वो इस घोटाले में सीधे शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वो इंडिया हैंडलूम ब्रांड का भी अनावरण करेंगे ताकि गुणवत्ता परक उत्पादों की बाजार में बेहतर स्थिति सुनिश्चित की जा सके। साल 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री इस अवसर पर हथकरघा क्षेत्र की हस्तियों को संत कबीर अवार्ड और राष्ट्रीय अवार्ड भी प्रदान करेंगे। अपने 25 सांसदों के लोकसभा से 5 दिन के लिए निलंबित होने के बाद कांग्रेस ने लगातार 3रे दिन संसद परिसर में अपना विरोध जारी रखा है। संसद भवन परिसर में कांग्रेस सहित कई अन्य राजनीतिक दलों के तमाम नेताओं ने धरना दिया। दूसरी ओर यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने स्पीकर के घर के सामने अपना विरोध प्रदर्शन किया। संघर्ष विराम का एक बार फिर उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने लगातार 2रे दिन आज जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सब्जियां सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों और नागरिक इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सैनिकों ने स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की, रॉकेट चलित ग्रेनेड दागे और मोर्टार बम फेंके। भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई की जिससे दोनों पक्षों के बीच भारी गोलीबारी हुई। भीषण बाढ़ की आपदा से जूझ रहे म्यांमार में भारत ने आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। चक्रवाती तूफान कोमेन के कारण म्यांमार में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। भारतीय वायुसेना के विमान राहत सामग्री को पहुंचाने में जुटे हैं। म्यांमार के लिए ये राहत ऑपरेशन आगामी 2 से 3 दिन में पूरा होने की उम्मीद है। सऊदी अरब की एक मस्जिद में आज हुए आत्मघाती बम विस्फोट में सुरक्षा बलों के 13 जवानों की मौत हो गई। इस हमले में 9 जख्मी भी हुए हैं। सरकारी टीवी के मुताबिक असीर सूबे के अबा शहर में ये मस्जिद यमन की सीमा के नजदीक है। सऊदी सरकार की स्पेशल इमरजेंसी फोर्स इस मस्जिद का इस्तेमाल करती है। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने बताया कि अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। जापान आज उन लोगों को याद कर रहा है जो हिरोशिमा पर हुए परमाणु बम हमले में मारे गए थे। इस अवसर पर अमेरिका से भी कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। आज से ठीक 70 साल पहले दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया जिससे करीब 1,40,000 लोग मारे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि व्यक्त की। एशेज सीरीज का 4था टेस्ट आज से ट्रेंट ब्रिज में शुरू हुआ।
इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड की घातक गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 18 ओवर और 3 गेंदों में सिर्फ 60 रन पर ही सिमट गई। स्टुअर्ट ब्रॉड ने 8 विकेट चटकाए। फिलहाल इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही है।